अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास। वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज और सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड ही ये कुछ एमसीक्यूज और क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ एमसीक्यूज और क्वेश्चन कलेक्ट कर रखे हैं, तो आज की शुरुआत करते हैं कि एमसीक्यू से। ये शायद नजर ना आए आपको, एमसीक्यूज। आपको पैटर्न तो पता ही होगा कि 50% एमसीक्यूज है और 50% थ्योरी है। तो बिना कोई वक्त जाया किए एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है विच नंबर। वन सेंटीमीटर, इसको वन सेंटीमीटर किसके बराबर है? वन सेंटीमीटर इक्वल टू 10^-3 डीएम क्यूब। अब तीसरे पे आ जाते हैं। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O। ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक कोई भी एक कंपाउंड जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास भी ये दिया गया है, और ये इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए ये 60 दिया हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर पहले मालूम कर लेते हैं। कार्बन का होता है 12, 12 और 2 14, 14 और इसका होता है 16, 16 and 14 हो गया 30 हो गया। अब ये 60 है, 60 जो कि मॉलिक्यूलर मास गिवन है। अब 60 को 30 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 2। अब आया है हमारे पास 2। अब इसको यहाँ N के साथ हमें 2 रखना है, मतलब CH2O। ये कुछ फॉर्मूला होता है ना। अब इस N की जगह हमारे पास N की वैल्यू आ गई है। क्या आई है? 2 आई है। तो मतलब कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे जब ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, वो है ये। तो हमारे आंसर है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का तो आंसर यूनिट होता है मिलीपॉइज। अब क्या है? इवेपोरेशन इज अ डैश प्रोसेस। इवेपोरेशन मतलब के जैसे के कोई भी चीज बुखारात बन के उड़ जाए। बुखारात बन के कैसे? जब हम किसी चीज को बॉइल करते हैं तब भी बुखारात बन के उड़ जाती है, और कोई पानी अगर पड़ा हुआ हो ऐसे बगैर बॉइल ना किया जाए तो वो भी बुखारात बन के उठ जाते। तो मतलब ये नेचुरल प्रोसेस हो गया। टू सॉलिड्स हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब जिनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आइसोमोर्फस कहते हैं। द एन प्लस एल, ये एन प्लस एल लिखा हुआ है, एन प्लस एल वैल्यू फॉर 5d ऑर्बिटल इज। जैसे हम जानते हैं यहाँ 5d, ये जो ये है ये तो n है, हमारे पास ये 5n है। अब d के लिए l की वैल्यू क्या होती है वो हम देख लेते हैं, या लिख देता हूँ। जैसे l की वैल्यूज हैं, s के लिए अलग है, p के लिए भी है, sp d एंड f। अब इसकी वैल्यू क्या है? s की वैल्यू l की होती है 0, इसकी 1, 2 और 3। अब वहां क्या दिया है? 5d, d की जगह हम 2 लिखेंगे और n की जगह 5 तो पहले से दिया गया। और ये n प्लस l, n मतलब 5 और l 2, 5 और 2 7, तो इसका आंसर 7 है। तो ये इसका आंसर है, इसको रेस कर देता हूं, इसका आंसर 7। अच्छा, दिस सीरीज ऑफ लाइंस प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। अब यहां फोर्थ वो बोल रहा है सिर्फ ये घुमाने के लिए, यहाँ कुछ भी हो जाए ना, जब हम कह रहे हैं कि कहाँ आ रही है, अगर दूसरे पे आ रही है तो बाल्मर सीरीज होगी। अब बाल्मर सीरीज कहाँ है? इसका आंसर है बी, इसका आंसर बी है। अच्छा, तो एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट इज। अब डायपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट क्या है? इसका अच्छा डायपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट है डिवाइड। ओके, अब नंबर 10 देखते हैं। दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी डेंसिटी भी होती है
और टेम्परेचर भी होती है, मगर यहाँ सिर्फ हमें आंसर में अगर वो यूं भी दे सकते हैं टेम्परेचर एंड डेंसिटी, तो हम फिर तीसरा आंसर ये भी बोल सकते हैं कि बोथ ए एंड बी। लिहाजा हमारे पास तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ डेंसिटी है, तो हम डेंसिटी पे टिक करते हैं। तो ये 10 हो गए। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें पॉज करके, मैं मजीद लिखता हूँ। तो 10 MCQs हमने कर लिए, तो आगे अभी बढ़ते हैं। द मोलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट, ये जीरो लिखा हुआ है कहीं आप वो ना समझ बैठे। कौन सा इसमें से मोलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है? तो इन सब में से ऑक्सीजन का जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो होता है। हैस लो मे बी यूज टू कैलकुलेट। अब हैस लो, हम जैसे हैस लो हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें डेल्टा एच ही कैलकुलेट हो रहा होता है। डेल्टा एच इक्वल टू एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री एंड सो ऑन। तो नंबर 13, एनी रियल और इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट्स अ सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग कॉल। कोई भी लाइन जो सिस्टम को सेपरेट कर दे उसके सराउंडिंग से क्या कहलाती है? बाउंड्री। तो इसका आंसर बाउंड्री है। वन कैलोरी किसके बराबर है? ये तो याद होना चाहिए। वन कैलोरी बराबर है 4.184 जूल के। जूल यहां लिखा हुआ है तो ये भी यहां जूल है, 4.184 जूल। नंबर 14, नंबर 15, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी इन पीओ, ओवरऑल इसका चार्ज है -3, ओवरऑल -3 चार्ज, PO4 -3। अब इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। ये क्या है, P को मालूम करना है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, बस इसी ऑक्सीजन के चार्ज को ही हम कंसीडर कर लें, तो जितना भी जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड करना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। ऑक्सीजन का होता है -2, एक ऑक्सीजन का -2 और यहाँ ऑक्सीजन चार है, तो चार ऑक्सीजन का -8, ओवरऑल जो होते हैं जो भी चार्ज हमें गिवेन होता है वो इक्वल टू उस तरफ आ जाते हैं -3। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई वो मैथ का हिसाब होता है, केमिस्ट्री में मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ बस माइनस ही है। पी -8 है तो उधर जाके +8 हो जाएगा, ये +8 है और ये -3। पी इक्वल टू +8 में से -3 जाएंगे तो +5, तो पी का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। यहाँ पी का ऑक्सीडेशन नंबर ये रहा +5, तो ये इसका आंसर है। विच सॉल्यूशन इज बेसिक, अब इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो कि बेसिक है? अब यहाँ आ जाए HCl, ये सॉल्यूशन बेसिक होता है। नंबर 17, वेरी स्मॉल केसी वैल्यू शोज, केसी की वैल्यू सबसे अगर जो स्मॉल होती है वो क्या शो करती है? कंप्लीट रिएक्शन, बिल्कुल नहीं, कंप्लीट रिएक्शन का केसी की वैल्यू पे कोई ताल्लुक नहीं है। मूव मोर प्रोडक्ट का भी ताल्लुक नहीं है। फॉरवर्ड रिएक्शन विद नेग्लिजिबल स्पीड, मतलब जो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा मगर स्पीड उसकी नेग्लिजिबल, मतलब ना होने के बराबर, बहुत ही स्लो स्पीड। तो इसका चौथा आंसर मैंने लिखा नहीं है, चौथा आंसर नोन है, मतलब कि इन तीनों में से कोई नहीं, मगर ये इसका आंसर है। नंबर 18 पे आ जाते हैं, अ रियल गैस ओबेस गैस लो एट। अब इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके थोड़े ऑप्शन घुमा के दिए हुए हैं, और इसके ऑप्शन किसी और तरह से भी दिए जा सकते हैं, तो देखते हैं। अ रियल गैस ओबेस लो एंड गैस लो एट वेरी हाई प्रेशर NTP, NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जैसे STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो ये है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। वेरी लो टेम्परेचर, अच्छा, और बोथ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो इसका जो आंसर है वो है वेरी लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ एंड प्रेशर नहीं लिखा हुआ, एंड प्रेशर में सही से लिख देता हूँ। ये प्रेशर लिखा हुआ है, वेरी लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ वेरी लो लिखा हुआ है, यहाँ पर लो टेम्परेचर एंड प्रेशर भी हो सकता है, अगर वेरी का नहीं ऑप्शन है तो हम लो टेम्परेचर पे ही टिक करेंगे। तो कितना 18 हो गया, 19, ऑर्बिटल हैज द सेम एनर्जी कॉल्ड, ऐसी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल कहते हैं। तो डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल हमारे पास ऑप्शन है बी, तो ये इसका आंसर हो गया। नंबर 20, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथेन मॉलिक्यूल,
अब इथेन मॉलिक्यूल होता क्या है, मैं इसे इरेज करता हूँ, इसे अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अच्छा को कहाँ गया, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन इथेन मॉलिक्यूल, इरेज कर दो। चलो भाई इथेन होता क्या, सी एच फोर सी एक इधर 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 हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। अब यहां इसमें कोई डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जीरो, इसमें जीरो डबल बॉन्ड है, सही इसका हो गया। अब नंबर 21, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आप एक काम कीजिएगा, तीन से चार डेफिनेशंस हैं, जैसे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन वगैरह, और जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका जो डेफिनेशन के मुताबिक इसका आंसर है रिडक्शन, रिडक्शन होगी। अब ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया, 11 ग्राम CO2 एट STP, STP के मैंने अभी आपको बताया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 11 ग्राम CO2 एट STP विल ऑक्यूपाई दिस वॉल्यूम, अब इनमें से कौन सा वॉल्यूम होगा। अब सबसे पहले इसके मोल निकाल लेते हैं, तो मोल निकालने से और हमें इसे अभी हमें सॉल्व किया जा सकता है। अब कैसे, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू सिंपल है गिवन अपॉन टोटल, ये फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला। अब गिवन कितना है, गिवन हमें दिया गया है 11 ग्राम, 11 ग्राम। अब टोटल क्या होता है, 11 ग्राम किसके दिए गए हैं, CO2 के, CO2 का टोटल एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16 और दो ऑक्सीजन के 32, 12 और 32 अल्लाह भला करे 12 और 32 44 होते हैं ना जी, 12 और 32 44, तो इसका आंसर हो गया 11/44, कैलकुलेटर पे करेंगे तो 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 आ रहा है, मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 0.25 आ ही रहा है, 1/4 सही। तो इसका हमें मोल निकल आ गया, मोल आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया 0.25। अब क्या करेंगे, 0.25 हमें इतना तो पता है, वन मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 डीएम क्यूब। अगर यहाँ वन मोल होता तो आंसर इसका होता 22.4 डीएम क्यूब, ये वन मोल नहीं है। अगर आधा मोल होता तो आधा, इसका आधा क्या होगा, इसका आधा ये है, इसका आधा 11.2 है ना, तो अगर आधा मोल होता मतलब 0.5 होता, आधा मोल होता तो ये होता, लेकिन ये आधा भी नहीं है, आधे का भी आधा है मतलब 1/4 है, ये इक्वल होते हैं 1/4, 1/2 भी नहीं है, 1/2 का भी आधा है मतलब इसका भी आधा, इसका आधा क्या होता है, इसका आधा ये है। इसमें कोई कैलकुलेटर की यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया है तो फिर वीडियो को पीछे करके ये बात आप सुन लें और समझ लें। तो आगे चलते हैं, N2 molecule has dash, dash sigma bond and dash pi bond, N2 molecule होता है क्या, मैं इसे erase कर रहा हूँ, इसे आप note down कर लें, इसे मैं erase कर दूँगा, N2 molecule में होता है कुछ, erase कर दूँ, okay, N2 molecule triple bond बनाता है, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, and सबसे पहले nitrogen ही triple bond बनाता है, nitrogen है कितने, दो हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब इसमें पता कर ले, डबल बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड सिग्मा, अब इसमें पाई भी है और सिग्मा भी है, अब इसमें कितने हैं, यह हमारे पास ऑप्शन कितने, दो इसमें सिग्मा है, एक सिग्मा है और दो पाई है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ये इसका आंसर है, आंसर सी। और आगे चलते 24, Empirical formula of CH3COC2 C double O C2 H5, Empirical formula क्या होता है,
सबसे पहले हम इसका ये देखते हैं कि ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। इसे मिटा रहा हूं मैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए जितने भी है, मतलब अलग अलग लिखे हुए हैं, दो कार्बन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, सबको मिला के लिख लो। कितने हमारे पास कार्बन? कितने? दो और एक, तीन और एक चार, मतलब C4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तीन ये है और पांच ये, हाइड्रोजन आठ हो गए टोटल, H8 हो गया। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन दो। अब इसे सिंपलेस्ट कैसे करें? सिंपलेस्ट कर रहे हैं, इसमें से दो कॉमन आ रहा है, मतलब हम दो इसमें से निकाल सकते हैं, दो अगर निकालेंगे तो ये सिंपलेस्ट हो जाएगा, उससे मजीद सिंपलेस्ट नहीं हो पाएगा। C2H4O अब ये मजीद नहीं हो रहा। अब अगर हमें ये कंडीशन जहां नजर आ गई ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर होगा। अब आए देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका कौन सा है। COH5O ये भी नहीं, ये भी नहीं, C2H4O यही है, तो इसका ये आंसर है। आगे आ जाते हैं, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, बोहर का सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या है? अब वो कैसे फाइंड करते हैं? हमें जो वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 ए को लगाना जरूरी है, छोड़ो। अब यहाँ सेकेंड पूछ रहा है, एग्जाम में हो सकता है वन पूछ ले, या अगर वन पूछे तो यही है, ये वन फर्स्ट के लिए है, ये फर्स्ट के लिए वन की पूछे। अगर वो थर्ड पूछ ले, फोर्थ पूछ ले, फिर कोई भी पूछ ले, आपको बस ये ख्याल रखना है एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देना, मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। अब यहाँ एन की जगह कुछ भी पूछ ले, यहाँ इसने दो पूछा है, फर्स्ट करो वो तीन पूछ ले, थर्ड के लिए तो यहाँ तीन लिख रहे हैं, तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा, ये नौ लिखना आपको जरूरी पड़ जाएगा, लेकिन हम यहाँ दो के लिए करते हैं। कितना है? सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड बोहर ऑर्बिट, तो सेकेंड के लिए दो, मतलब दो का स्क्वायर, और दो का स्क्वायर होता है चार। अब चार को इससे मल्टीप्लाई अगर करा दो, तो मैं करा देता हूं, कितना आएगा? 4 × 0.529 2.116 इसका आंसर ये है। तो इसका आंसर 26 देखते हैं। रेनड्रॉप हैज स्फेरिकल शेप बिकॉज, ये बी ओवर सी लिखा हुआ है, ये बिकॉज लिखा हुआ है, बिकॉज आ स्फेयर हैज द लीस्ट, क्या लीस्ट होती है स्फेयर की? इसका आंसर सरफेस टेंशन भी है, क्योंकि यह सरफेस टेंशन वाजे करके नहीं दिया हुआ, यहां दिया हुआ है सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशो, सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशो, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसे आप नोट डाउन कर लें, मैं मजीद और लिखता हूं एमसीक्यूज। 6 में हमने एमसीक्यूज कर लिए थे, तो हम 27 की तरफ बढ़ रहे हैं। द क्वांटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन डिस्क्राइब, तो क्वांटिटीज का जो रिलेशन है बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से, वो हम स्टोइकोमेट्री होता है। 28 द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला, किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि कोई एक एलिमेंट है जिसके शेल तीन हो, तो पता कैसे चलेगा कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने और तीसरे में कितने हैं? तो उसका फॉर्मूला है डिटरमाइन करने का 2n2। ये जो 2 है ये तो फॉर्मूले का है, और n का मतलब कौन से हम ऑर्बिट में हम बात कर रहे हैं, मतलब कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाने की हम बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम दूसरे की बात कर रहे हैं, तो n की जगह 2 लिख दो, और 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, तो दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 29 द मोस्ट ऑफ द रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम पिच ब्लेंड वर, जो कि रेडिएशन में कौन से एलिमेंट से रेडिएशन सबसे ज्यादा आते हैं, तो वो हमारा इसमें आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा बाहर आते हैं रेडिएशन, सॉरी। विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर, कौन से मॉलिक्यूल का लीनियर स्ट्रक्चर है? CH4 का स्ट्रक्चर कुछ लीनियर नहीं होता, CH4 का यूं होता है, एक कार्बन चार हाइड्रोजन, NH3 का भी नहीं। अगर हम बात इसी करें C2H2 की, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ,
तो इसका जो है लीनियर स्ट्रक्चर है। देखें लीनियर का मतलब एक ही लाइन पर है, एक ही प्लेन पर है, कोई मतलब टू डायमेंशन में नहीं है, थ्री डायमेंशन में नहीं है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। तो हमारे इसमें आंसर है C2H2 इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। 31, हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम व्हेन इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज इज इक्वल टू हीट सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है मगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, सिंपल है। 32, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पीवी हैज द डायमेंशन। प्रेशर और वॉल्यूम का डायमेंशन अभी हम निकाल लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो अभी करते हैं एग्जाम करता हूँ। प्रेशर हमें पता है एफ अपॉन ए होता है, और एफ का होता है न्यूटन, ए का मतलब मीटर स्क्वायर। अच्छा ये तो हो गया, अब इसकी मैंने फोर्स की मैंने डायमेंशन लिख दी है। फोर्स की डायमेंशन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है मीटर क्यूब, वॉल्यूम थ्री डायमेंशन में होता है, तो इसको मल्टीप्लाई हम करा देंगे मीटर क्यूब से, ये दो है और ये एक, इसको काट देगा और यहाँ वन बचेगा, न्यूटन मीटर। अब हमारे पास बच गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हम कहते हैं जूल। अब न्यूटन मीटर जूल का यूनिट होता है, तो इसमें जूल किसका होती है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो इसका आंसर एनर्जी होगी। इसके मुताबिक हमने इसका निकाल लिया कि इसका डायमेंशन एनर्जी होगा। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है 2NH2NH3NH2+3H2, द रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, केसी का यहाँ देखें दो मोल था, वहाँ एक मोल बन रहा है, तो मतलब केसी इसमें से दो मोल था एक मोल बन रहा है, तो केसी इज लेस देन केपी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड। अच्छा तो ये क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच इंडिपेंड मतलब उस पर इन्हसार नहीं करते, कहेंगे नहीं विच डिपेंड्स उस पर इन्हसार करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ पार्टिकल पे ये डिपेंड करती है। अगला क्या है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द रिएक्शन इज ऑफ। अच्छा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, मतलब ऐसा रिएक्शन जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे इंडिपेंडेंट हो मतलब मुनहसिर ना करता हो, ऐसा रिएक्शन जीरो ऑर्डर होता है। हर रिएक्शन कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट पर इन्हसार करता है मतलब डिपेंड करता है, मगर यह कह रहा है इंडिपेंड है, तो ये जीरो ऑर्डर हो गया। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट इज नाउन एज। ऐसी केमिस्ट्री की शाख जो केमिकल रेट ऑफ चेंज पर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल, कहाँ गया, केमिकल काइनेटिक्स। इसका आंसर है केमिकल काइनेटिक्स। द पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन एयर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर होती है 102 मीटर एयर में, जबकि अल्फा की होती है 102 सेंटीमीटर। बीटा की मीटर है और इसकी सेंटीमीटर है, तो 100 का डिफरेंट आ रहा है, तो इसका क्या होगा, ये होगी 100 टाइम्स। बीटा जो है 100 टाइम पेनिट्रेटिंग पावर एयर में ज्यादा होती है अल्फा के मुकाबले में। अ गैस एट 0 केल्विन, ये 0 लिखा हुआ है और ये है 0 केल्विन। 0 केल्विन पर गैस क्या हो जाती है, हैज 0 वॉल्यूम, वॉल्यूम 0 हो जाता है। 0 केल्विन पर गैस का, किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, यहाँ आइडियल गैस की बात हो रही है। अच्छा E+PV इज कॉल्ड, ये तो एंथैल्पी है,
एंथैल्पी ई प्लस पीवी। अब इसे नोट कर रहे हैं, मजीद हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो मैंने आगे के एमसीक्यूज अभी लिख दिए हैं, नंबर 14 को पढ़ते हैं। द नेट एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट अबाउट, यहाँ अबाउट लिखा हुआ है, शायद कैमरे में नजर नहीं आ रहा, ब्रॉट के बाद अबाउट, ब्रॉट अबाउट इन टू और मोर डिफरेंट वेज इन वन और मोर सेवरल स्टेप्स इट इज नाउन एज। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये किसने लिखी थी, एंथैल्पी चेंज एक तरीके से आए या ज्यादा तरीकों से हम इनको प्लस करके लेके आए, ये कहा था हेस ने। तो ये कहलाता है हेस लॉ। 41 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन से कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो वो होता है मीथेन, मीथेन का मतलब CH4 को मीथेन कहते हैं, तो मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट इज, आर की वैल्यूज दो हैं, अगर किसी ने न्यूमेरिकल किए हो इसके चैप्टर वन में ही है, आर की वैल्यू दो है 8.3143 और 0.0821, तो ये दोनों आर की वैल्यू है, तो मतलब यहाँ के दोनों ऑप्शन हो गए। अगर यहाँ तीसरा ऑप्शन ए और सी होता तो हम ये लिख देते, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर का ऐसा यूनिट को हम केल्विन से शो करते हैं, जैसे ये केल्विन टेम्परेचर को शो कर रहा है, मगर यहाँ टेम्परेचर तो ये भी है लेकिन यहाँ एसआई यूनिट का टेम्परेचर नहीं है, ये डिग्री है, तो लिहाजा हम इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। तो आर की जो एसआई यूनिट है वो है ये वैल्यू पूछी गई है एसआई यूनिट में, वैल्यू तो दोनों है लेकिन एसआई यूनिट में परफेक्ट ये बन रही है, तो आर की वैल्यू ये हो गई। बोहर एटॉमिक मॉडल इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय, अच्छा तो बोहर का एटॉमिक मॉडल किसने कॉन्ट्राडिक्टेड किया था, तो वो था हेजनबर्ग ने, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे के किया था। तो नंबर 44 करते हैं, E अपॉन M को हम चार्ज पर रेशो कहते हैं, चार्ज पर रेशो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड कुछ यूँ करते हैं कि जो चार्ज होते हैं, मैं इस हिस्से को इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ से नोट टा करना है 40 और 41, तो इससे नोट कर लें, मैं इसे इरेज करके यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, इरेज कर दूँ, चलो कर देता हूँ। ये कुछ होता है चार्ज पर रेशो कुछ यूं करके 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन इसके वेट से, वेट कितना 9.11 × 10⁻¹¹, ये कूलम होता है और ये ग्राम होता है, इसे अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगी चार्ज अपॉन चार्ज पर रेशो की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी। अगर इसे डिवाइड करने पर कितना आएगा, इसे डिवाइड करने पर आएगा 11 ऊपर जाएगा 8, पावर 8 किसकी है, बस अगर यहाँ पावर 8 किसी और की होती तो मैं कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करता, क्योंकि इसमें पावर का तो सेम आ जाती, मगर ये जो वैल्यूज है ना शुरू की वैल्यू, इसमें मसला हो जाता, इसमें मसला हो जाता, लेकिन यहाँ पावर 8 किसी की नहीं है सिवाय इसके, तो मैंने इसे ही कर लिया, क्योंकि माइनस 10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस के 90 में से प्लस का सॉरी माइनस के 19 में से प्लस का 11 जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस 8 है, प्लस 8 नहीं है, ये लिखने में मिस्टेक हुई है, माइनस 8 है। तो 45 आते हैं, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ एडिशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड, ये एक किस्म की डेफिनेशन हो गई, एडिशन एंड रिडक्शन, तो इसमें एडिशन और रिडक्शन इसी में ही आंसर है इसका, कैसे इसका आंसर तो रिडॉक्स है, अब रिडॉक्स कैसे, आर ई डी रिड तक ये रिडक्शन हो गया, कहाँ गया, ये रिडक्शन हो गया रिड तक, और ऑक्स तक ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, किसमें, रिडॉक्स में, रिड ऑक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 46 देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव अ सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर इज कॉल्ड, फोर क्वांटम नंबर किसने कहा था, पॉलिज ने, पॉलिज कंप्लीट। अल्फा रेज क्या होते हैं, अल्फा रेज असल में होते हैं, अगर हम सेकेंड ईयर फिजिक्स उठा के देखें तो उसमें क्लियर करके लिखा हुआ है हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, और किस तरह होते हैं वो भी इसमें डिटेल से लिखा हुआ है। 48 द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर इज कॉल्ड, टेंडेंसी ऑफ लिक्विड
क्लिंग टूगेदर मतलब आपस में ही तामूलक हो रहे होते हैं तो उन्हें कहते हैं कोहेजन। COHESION इसे आप नोट कर लें, शायद यहाँ पर आपको समझना है COHESION कोहेजन। अगर ये MCQs दूसरी तरह से भी आ सकता है, यहाँ क्लिंग टूगेदर है, अगर वहाँ क्लिंग अगर वॉल से अगर वो कहते एग्जाम में तो वॉल के लिए क्या हो जाएगा, एडिशन आ जाएगा। ये सिर्फ ये वॉल के लिए, यहाँ लिख देता हूँ, वॉल की अगर बात हो तो हम ये लिखेंगे 49 द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर, ये रहा वेव नंबर, पर सेंटीमीटर का फासला जब वेव तय कर दे तो वो वेव नंबर कहलाता है। लास्ट एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ जाएंगे। द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इंडिपेंडेंस ऑफ, सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ लिक्विड की, मतलब जितना भी लिक्विड हो कम हो या ज्यादा हो सरफेस टेंशन होगी, तो इस पे कोई डिपेंड नहीं करती कम हो या ज्यादा हो। ये तो यहां तक हमारे एमसीक्यूज हो गए, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लें, इंशाल्लाह 80% से ज्यादा इनमें से एमसीक्यूज आएंगे। तो अभी हम सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ आते हैं, तो मैं बस यहाँ पर अभी लिखता हूँ, अभी से नोट करा, खत्म हो गया हमने 50 एमसीक्यूज हमने कर लिए। अभी है सेक्शन बी, ये शायद सेक्शन बी की हेडिंग आपको नजर नहीं आ रही होगी, तो ये सेक्शन बी के 9 सवाल हैं, ये 9 सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लें, इनमें से ही इंशाल्लाह पेपर में आने वाला होगा। और इसके बाद हम सेक्शन सी की जानी पढ़ते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। तो ये बहुत ही मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद सेक्शन सी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इस तरह हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया है, और अब यह है सेक्शन सी, आप इसे नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।